टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो विंटर हेयर केयर रूटीन मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, तो अभी समर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी कुछ अलग ही हेयर केयर रूटीन होता है, क्योंकि विंटर का अलग होता है, समर का अलग होता है। सो फर्स्ट जो है, आपको हेयर ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बालों में, क्योंकि हेयर ऑयल बहुत ये लोग बालों में ऑयल अप्लाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ऑयल लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है ऑयल लगाना। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। तो अभी मेरे पास ये वाला है छोटू सा, आपके बड़ा मतलब अभी मेरे पास यही है फ़िलहाल में, क्योंकि बड़े वाली बॉटल ख़त्म हो जाती है, तो मैं छोटा मंगा लेती हूँ हाल फिलहाल के लिए इसलिए। और ये मेरे एक या दो से तीन बार बालों में अच्छे से लग जाता है, और हफ्ते में दो बार तो मैं हेयर ऑयल अच्छे से अप्लाई कर ही लेती हूँ भर भर के। सो अभी आपको लेना है एक बाउल, और उसमें आपको हेयर ऑयल डालना है जितने आपके हेयर हैं उस हिसाब से, मतलब जितना आपको लगे कि इतना बालों में लग जाएगा उस हिसाब से लगा लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इतना ले लिया, काफ़ी है ज़्यादा ही है। तो अब हम इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे, तो मैं ये वाला एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ। तो एक चम्मच मिक्स कर दीजिए अच्छे से इस ऑयल में, बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी इससे। एक बार ट्राई करके देखना, आप रिज़ल्ट खुद महसूस करोगे, बाल एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बाल लगेंगे। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना मेरे कहने से। तो इसको अच्छे से आपको मिक्स करते जाना है, मिक्स मिक्स मिक्स, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है ये सच में। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए इसलिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके का हो गया है अभी। तो ये इसको और अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, ताकि बालों में अप्लाई होने में थोड़े प्रॉब्लम ना हो। इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी हेयर ग्रोथ कि आप लोग भी कहोगे कि वाह ज़ारा कहाँ थी तुम पहले। तो अब आपको इसको अपनी बालों की जड़ों में अप्लाई करना है अच्छे से। तो मैं यहाँ चम्मच से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेटर हो जाएगा हेल्प लेना। अभी मेरा कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं खुद से अप्लाई कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा अच्छी हेयर ग्रोथ होती है इस ऑयल से। मैं वैसे बाल मेरे मुझे छोटे ही पसंद है, इसलिए मैं कटवाती रहती हूँ। तो मेरे बालों पे मत जाना, गिर गया, मेरे बालों पे मत जाना, क्योंकि मेरे बाल छोटे ही हैं और मुझे छोटे ही बाल पसंद है इसलिए। सो अच्छे से मसाज करना हो, अच्छे से मसाज करते जाना हो। इस तरफ भी अच्छे से हम लगा लेंगे इसको ना। आपको एक या डेढ़ घंटे तक अपने बालों में लगा छोड़ देना है, तब जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतने बाल सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप लोग सोचोगे कि आप लोगों ने पार्लर में कुछ करवाया होगा, इसलिए इतने सॉफ्ट हो गए। सो इसको अच्छे से लगाना है जड़ों तक, जड़ों में अच्छे से लगा के मसाज करना, तब जाके असर दिखाएगा वो। और ऐसे नहीं है कि एक बार लगा लिया उसके बाद नहीं लगाया, आपको हर हफ्ते में कम से कम दो बार तो इसको यूज़ करना है, तब जाके आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम लेती हैं, जो केमिकल वाली होती हैं वो बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। नहीं, शायद हर चीज़ ही देर में ही होती है। सो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। अब आपको इसको ना, मैंने ना थोड़ा सा और बना लिया था, क्योंकि कम पड़ गया था मेरे बालों में इसलिए। ये देख सकते हैं अभी हाल ही मैंने थोड़ा सा और बनाया है, अच्छे से मिक्स कर लूँ। एंड अब बैक पूरे मतलब अभी से ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, सिल्की सिल्की से। मैं तो कहती हूँ कि आप एक एलोवेरा
का पेड़ अपने घर में ज़रूर उगा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप रात में अकेला एलोवेरा जेल लगा के भी सोते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है। इसलिए एक एलोवेरा जेल, मतलब एक एलोवेरा का पेड़ ज़रूर लगा लीजिए। और अगर पेड़ नहीं है ना, तो पतंजलि का आता है, 50 रुपये तक का मिल जाएगा, उसे ले आइए, वो भी बहुत चलेगा आपका, बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। और कोकोनट ऑयल तो सबके घरों में होता ही, और नहीं है तो एक खरीद लीजिएगा, बड़ी वाली बोतल बहुत चलती है। बाकी अगर कम बजट है तो ये 10 वाली 3 बार आराम से, 3-4 बार मतलब आराम से लग जाता है इससे, और फिर आप खुद रिजल्ट देखोगे। एक महीना, बस एक महीना लगा लीजिए, आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे घने हो जाएंगे, मेरे नहीं मतलब मुझसे लंबे, मुझसे भी ज़्यादा लंबे, मेरे तो छोटे हैं वैसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अब इसको हमें लगा करके वेट करना है 1 घंटा तक। कितना? 1 घंटा कम से कम इसको लगा करके वेट करना है, फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है अब ये सूख भी चुका है हल्का हल्का सा, वैसे सूखता तो नहीं है, लेकिन जो एलोवेरा जेल था वो सूख गया है, बाकी तेल अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। और मुझे इसको लगाए हुए 40 मिनट हो गया है। अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी है तो आधे घंटे या 40 मिनट तक वॉश कर लीजिएगा। अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे की वीडियो भी शूट करना है, इसलिए ज़रूरी है मुझे जल्दी से इसको आगे धोना। तो 40 मिनट हो गया है, अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है, बाल की शाइन आप देख सकते हैं, पहले वॉश करके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं इसको वॉश करने। अब आप देख सकते हैं मेरे बाल सूख चुके हैं और कितने ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, एकदम सिल्की शाइनी टाइप के लग रहे हैं। आपको ना इसको ओवरनाइट लगाना है तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, तो प्लीज़ रात के ही लगा के सोइएगा। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने 40 मिनट में वॉश कर लिया था। सो या गाइस, आपको ये आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको एक बार, फिर आप लोग खुद सोचोगे कि हाँ आप तो इसको मतलब ट्राई करना चाहिए, फिर आप लोग हमेशा इसको मतलब लगाओगे। सो या गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।